बड़वानी लोकायुक्त पुलिस ने बाबू को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पेंशन प्रकरण बनाने के एवज में 25,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। रिश्वत 21,000 रुपए में तय हुआ था। पेंशन प्रकरण बनाना, 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। 10,000 रुपए लेने के बाद पेंशन संबंधी दस्तावेज किए थे जमा। सेवानिवृत्त ग्रामीण विस्तार अधिकारी अशोक दुबे ने की थी लोकायुक्त इंदौर को शिकायत। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग कार्यालय के बाबू सुंदर सिंह बर्मन को किया गिरफ्तार। अनुविभागीय कृषि विभाग अनुभाग बड़वानी में लोकायुक्त पुलिस इंदौर द्वारा यह कार्रवाई की गई है। वहीं आवेदक अशोक दुबे ने बताया कि मेरे रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए अनुविभागीय कृषि विभाग के अनुभव बड़वानी में जब आवेदन देने पहुंचा तो कृषि विभाग के बाबू सुंदरलाल मेरा आवेदन हाथ में लेने से मना कर दिया। कहा कि पहले पैसे लो, इसके बाद ही आपके आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के चक्कर लगभग 8 से 10 बार लगाने के बाद 21,000 देने की हमारी बात हुई। इसके बाद में लोकायुक्त इंदौर में अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद आज 5,000 रुपए की नगद रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त इंदौर की टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। लोकायुक्त DSP दिनेश चंद्र पटेल ने बताया कि कृषि विस्तार अधिकारी अशोक कुमार दुबे 30 जून 2024 को रिटायर हुए, जिनका पेंशन प्रकरण बनाने के लिए कृषि विभाग के बाबू ने 21,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत हमें अशोक कुमार दुबे के जरिए प्राप्त हुई थी, जिसके चलते आज 5,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा गया। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। पेंशन प्रकरण जो है वो बनवाने के लिए जो है मैंने कार्रवाई की थी, तो इस बाबू ने जो है मेरे से 21,000 की रिश्वत की मांग की थी। तो उसके बाद मतलब मैं स्टडी में कागज लेके गया तो इनने लेने से मना कर दिया। उसके बाद जो है बोले पैसे लेके आओ, और फिर जब मैं पैसे लेके गया जब इन्होंने कागज रखे मेरा, और आज जो है फिर उनको जो है मैंने लोकायुक्त से करवाया। फिर लोकायुक्त में मैंने कंप्लेंट करी और आज कितने रुपए दे रहे थे? आज 5,000 रुपए दिए मैंने इनको। पाँच हज़ार नाम क्या है जो आरोपी? ये सुंदर सिंह सुंदर सिंह बर्मन। हाँ, सुंदर सिंह बर्मन। कौन सा पत्र है ये? LDC है। हाँ, ये पेंशन प्रकरण यही बनाते हैं? हाँ, यहीं से बनाते हैं। कृषि विभाग है। कृषि विभाग। हाँ, आप कौन से पद से सेवा? मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद से सेवा। कहाँ पर पदस्थ है? मैं पदस्थ राजपुर में था। कब सेवानिवृत्त कब हुआ? मैं 30 तारीख को हुआ, 30 जून को। तो ये आप कितने चक्कर यहाँ लगा चुके थे? मैं कम से कम जो है 8-9 चक्कर लगा दिए सर मैंने। विभाग में इसी तरीके का माहौल है? और कोई अधिकारी भी मौजूद थे जो पैसे की मांग आपसे? हाँ, SDO साहब हमारे थे, उन्होंने ही बैठ के सेटिंग करी। 25,000 की मांग करी थी और वो बैठे तो फिर जो है 21,000 तक तय हुआ। वो भी उनको भी आरोपी बना रहे हैं आप इसमें? नहीं, मैं इसलिए नहीं आरोपी बना रहा कि वो अब उनको मैं इनको इन्होंने मेरे को जो है मेरे कागज नहीं लिए थे, इसलिए मेरे को इन पे थोड़ी चीड़ थी, इसलिए मैंने इनको किया। पहले कोई राशि दे चुके पहले भी कोई पेमेंट दिया 5,000 जो आज इसका? हाँ, इसके पहले इन्होंने लिया, मतलब पेमेंट लिया, उसके बाद ही जो है इन्होंने मेरे कागज रखे थे। 10,000 रुपये? हाँ, अभी 5 दिए। हाँ, अशोक कुमार दुबे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजपुर ने शिकायत की थी कि वह 24 जून 2024 को या 30 जून 24 को रिटायर हुआ है, जिसका पेंशन प्रकरण बनाने के लिए सुंदर सिंह बर्मन तृतीय श्रेणी लिपिक द्वारा 21,000 रुपये की मांग की गई। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज प्रथम किस्त में 5,000 रुपये लेते हुए सुंदर सिंह बर्मन लिपिक को रंगे हाथ पकड़ा गया। सर, कहाँ कार्रवाई? कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बड़वानी। सर, पूर्व में भी कोई राशि ली गई है? पूर्व में 10,000 रुपये दिए है बता रहे, बट उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि उन्होंने दिए कि नहीं दिए। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।